हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर फ्रॉम बीपी सॉफ्टवेयर स्किल एंड ट्रेनिंग सेंटर बरेली। वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट एंड व्हाट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज आवर आई टी बीपीएम इंडस्ट्रीज एंड वी आर ऑलरेडी क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आई टी बीपीएम इंडस्ट्रीज। सो टूडे इज आवर न्यू टॉपिक, दैट इज आई टी एंड आई टी ई एस। IT means information technologies and ITES means information technology enabled services। इस इन दोनों में चैप्टर में जो भी डिफरेंस में रहेगा, हम इस चैप्टर में जो भी हमारा IT और ITES में वन बाय वन हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ इसकी बेसिक यूज रहती है, IT की आपकी कौन कौन सी डेली लाइफ से लेकर के हर एक फील्ड में जहाँ भी इसकी यूज रहेगी। सो वी आर गोइंग टू आवर न्यू पॉइंट। ओके, so before we start this chapter, I am going to introduce some basic fact of IT and ITES. Information and communication technology has become one of the basic requirement of the modern society. आज के society के लिए ICT means communication technology, एक दूसरे से बात करना सबके लिए important बन चुकी है। In today's digital era, we use mobile devices to perform daily task. आज के समय में हम mobile phone के through डेली टास्क, जो भी हमारे डेली रूटीन में जो टास्क रहते हैं, वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू यूज हो सकते हैं। बात करें डेली टास्क में, हम आपके डेली रूटीन में सपोज़ बैंकिंग फैसिलिटी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ये सारा का सारा ही आपका इसमें आता है। आईटी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। साथ ही साथ इसकी आपकी जितनी भी वर्ल्ड लेवल तक की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो भी हाई लेवल पर ग्रो करती है। ओके, आईटी सेक्टर। तो अब हमारा टॉपिक है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखते हैं हम इसमें क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें बनाते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से स्टोर करते हैं या मैनेज करते हैं। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डील विद इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हम इसमें अपने हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम एक कंप्यूटर से लेकर के दूसरे कंप्यूटर में। हमारा डेटा जो होता है इसमें पूरी तरह से शेयर होता है एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक। द इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटीरियल विच आर प्रोसेस टू गेट द इन्फॉर्मेशन। डेटा यहाँ पर एक काम करता है किसी एक रॉ मटेरियल की तरह, रॉ मटेरियल मीन्स किसी कच्चे पदार्थ की तरह, जैसे हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिलता है। डेटा को हम इस तरह से ही समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें क्लासरूम में कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, एक एक का हमें फैक्चुअल डेटा निकालना है, तो हम उसको काउंटिंग करके हम अपना डेटा को अलग अलग सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं। डेटा इसे भी हम इसे डेटा के ही फॉर्म में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा ITES। इट इनेबल्स अ बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब इनेबल्ड सर्विस और रिमोट सर्विस दैट कवर्स द एंटायर ऑपरेशन विद एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज सर्विसेज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस दैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज इन ऑल ऑफिस लाइक कॉल सेंटर, पेरोल, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटाबेस और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। ITES इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स डाइवर्स लाइक फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेली कम्युनिकेशन, मैनुफैक्चरिंग एंड एट्सेट्रा। ITES जो कि आपके बिजनेस को इम्प्रूव करे, एक अच्छे लेवल तक पहुँचाए, जिससे आपके बिजनेस का जो ग्रो फैक्टर है वो हाई लेवल पर पहुँचे जल्द से जल्द। इसको हम तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब आपके पास किसी एक वेब पोर्टल पे सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता हो। इसमें आपके कई सारे फीचर्स आते हैं लाइक कॉल सेंटर, पेरोल, लॉजिस्टिक के बाद आगे हम बात करें तो इसमें HR, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज, बैक ऑफिस ऑपरेशन, जो भी आप ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं सारा का सारा इसमें ITES में आता है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इसमें कई तरह से एरियाज आते हैं, जैसे लाइक फाइनेंस, HR, टेली कम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी ITES के ही एक पार्ट माने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे ITES में कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे B2B, e-commerce solution, ये सारे के सारे इसमें ही आते हैं। डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयरहाउसिंग, डेस्क सर्विसेज, एंटरप्राइजेस, रिसोर्सेज, टेली कम्युनिकेशन सर्विस, ये सब ITES के पार्ट हैं।
सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा इसमें है बीपीओ सर्विस। बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कॉल सेंटर। इसके कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ई पब्लिशिंग, लीगल सर्विस, मल्टीमीडिया डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बीपीएम इंडस्ट्री, इसके फर्दर जो बात करें आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हैज़ बिन फ्यूलिंग इंडियाज़ ग्रोथ इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की जो रेट रेट वगैरह जो होती है कंट्री की, किस तरह से वो उसको ग्रो कर रही है, सब बीपीएम के अंदर ही आता है। दिस सेक्टर अट्रैक्ट अमंग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर। सो एज यू कैन सी हेयर स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियोज। आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज में चार जो हमारे सेक्टर थे आईटी सर्विसेज, आईटीएस, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आरएनडी इंजीनियरिंग एंड रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एसपीडी, ऐसी स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। जो जो अपना ऑपरेशन तो इंडिया में ही रखते हैं लेकिन इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो बाहर में बाहर होते हैं, ऐसी कई सारी कंपनीज होती हैं ऐसी। नेक्स्ट हमारा है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इसका जो अपोजिट, इनके ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो है हमारा ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स जीआईएस। ऑर्गेनाइजेशन कैटर्स टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। ये किसी एक लाइक बात करें किसी एक पेरेंटल पे वर्क करते हैं, जिनका खुद का कोई रिसोर्स नहीं होता है, वो किसी और कंपनी से अपना बॉन्ड रखते हैं और उनका कोई एक्सटर्नल क्लाइंट यहाँ पर वर्क नहीं करता। दिस मॉडल अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशन इन हाउस एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इनका काम ये होता है कि ये किसी एक पेरेंटल वर्क करते हैं, जैसे एक बड़ी कंपनी है उनके ही एक साथ एक बॉन्ड रखते हैं या अपनी शेयर प्रोवाइड कराते हैं उनसे, और एक अपना छोटा सा क्लाइंट लेकर चलते हैं जिसमें उनके अंडर बहुत सारे वर्कर्स आते हैं वो काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ये ज़्यादा बड़े लेवल पर काम नहीं करते इसलिए इनको हम ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ही बात करते हैं। ओके, आईटी बीपीएम सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग, सभी ऑर्गेनाइजेशन सर्व करते हैं। टाइप्स एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, हर तरह की ये ऑफर प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑपरेशंस, रिवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, अपने इस तरह से वो रिवेन्यूज को किस तरह से ऑपरेट कराते हैं एक बड़े लेवल तक। नेक्स्ट पॉइंट इज आईटी एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। इन टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड नेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर अ यूजर। कंप्यूटर इज अ टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन वेन एवर नीडेड। द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम वर्क प्लेस इन द मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री एंड इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। इट इंक्लूड लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, डू ऑफिस वर्क, चैटिंग, सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट्स और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस आते हैं। आईटी एप्लीकेशन की हम बात करें तो हमारे जैसे डेली लाइफ में हर जगह रोल प्ले करता है। जैसे हम बात करें अपने, हम म्यूजिक सुन सकते हैं इससे, मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, मैसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अपने सारे वर्क्स वगैरह को हम डेली प्लानर को मैनेज कर सकते हैं, रीडिंग बुक्स बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कई तरह के हमारे बिल जो होते हैं हम घर बैठे बुक कर सकते हैं, फ्लाइट वगैरह की टिकट, रेलवे की टिकट, बस की टिकट, सारी कैसे कई सारे ऑपरेशन बैंकिंग के जो भी आते हैं वो सबको आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके कुछ एरियाज हैं लाइक बैंकिंग, बिजनेस, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन और ऐसे कई तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म में। हम जैसे कि देख सकते हैं कि अपना आईटी का एवरी डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। घर बैठे हम अपने ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, किसी भी एक हॉबीज़ को अपना हम प्ले कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स, इंक्लूड एक्शन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, पजल गेम्स, कई सारे ऑपरेशन होते हैं। डेली लाइफ में वी यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट यूजिंग विद इट। आज के समय में इस रेफ्रिजरेटर से लेकर के वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब आईटी ऑपरेशंस पे ही वर्क करने लगे हैं। इसका यूज हम लाइब्रेरी वगैरह में भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है बड़े लेवल पे जो लाइब्रेरी बुक्स होती हैं उन पे रिकॉर्ड रखना डिफ़िकल्ट है, नोट करना डिफ़िकल्ट है कॉपीज़ पे, तो इसका हम यूज कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कि हमारे पास अपने पास कितनी स्टोर्ड हैं बुक्स वगैरह।
बुक्स वगैरह पे एक स्ट्रिप रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिससे रिकॉर्ड रहता है कि आपके पास कोई कोई बुक अगर बोरो किया गया है तो वो आपके पास स्कैन हो जाता है और पता चल जाता है कि वो बुक का रिकॉर्ड कहाँ पर रखा है। इससे आपको आईटी जो सेक्टर में, लाइब्रेरी के फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, आईटी इन एजुकेशन। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन टू द लर्नर्स। द लर्निंग बिकम ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू इट। अ लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन बेटर वे। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प टू असेस द स्टूडेंट विदाउट एनी बायसनेस। द स्टूडेंट, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एवरी स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिट विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में आईटी का क्या यूज है? जैसे कि आज के समय में हम ऑनलाइन थ्रू क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ऑडियो, वीडियो से लेकर पिक्चर्स वगैरह, एनिमेशन, जिससे आप कई सारी चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके पास किसी ऑडियो वीडियो विजुलाइज्ड होता है तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होती है। साथ ही साथ अगर हम साइड में कोई पिक्चर्स वगैरह भी डिफाइन करते हैं तो आपको ईजिली वे में समझ में आता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका इससे फोकस बहुत जल्द से जल्द बढ़ता है। Now we are going to elaborate how we used IT in education. First point is ICT in classroom. There are many ways in which ICT is used for education in the classroom, such as learning classroom, smart board presentation, desktop publishing and magazines, educational games, learning using the CD-ROM media. ऐसे कई तरह के हमारे पास इसके features आते हैं। Next point हमारा जो है education anywhere, anytime. किस तरह से हम शिक्षा का क्षेत्र, जैसे हम यहाँ बैठ के घर बैठे हम कहीं तरफ इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ऐसे एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होती हैं, ऐसे कई तरह के आपके पास वेबसाइट्स हैं जिसपे आप जाकर के ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सी पॉइंट है जो कि टीचिंग एड्स एंड मीडिया। आईसीटी इज यूज मोस्टली एड इन स्कूल टू यूज पिक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, explain subject that are difficult to explain, make the lesson interesting using presentation, organize lesson using the computer, obtain the information relevant to the subject. अगर आपके पास pictures वगैरह यूज करते हैं किसी भी presentation वगैरह को बनाने के लिए, किसी subject को समझाने के लिए, तो easily समझ में आता है। किसी भी lesson को interesting बनाने के लिए presentation बनाइए, जिससे आपको क्या रहेगा कि आपको नॉलेज भी जल्द से जल्द बढ़ेगी। पॉइंट है नेक्स्ट आपका डी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। LMS इज बींग यूज बाई मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम, और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस LMS। LMS को हम ऐसे समझते हैं कि किसी भी लेसन को समझना एनी टाइम एंड एनी वेयर, कहीं भी बैठ के, चाहे वो आप मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। सबमिट क्वेरीज, अपनी क्वेरीज को सबमिट कीजिए, किसी तरह की क्वेश्चन हैं क्या, किसी तरह के कोई कमेंट्स वगैरह हैं आपको जो समझ में आए, तो आपको इसके क्वेश्चन के रिप्लाई मिलते हैं। पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी एक्टिविटीज़ में, प्रोग्रेस कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, बच्चों को एक साथ किसी भी तरह पर ले जा करके उसको बड़े लेवल पर समझाने की कोशिश कीजिए। आईटी इन एंटरटेनमेंट। इट हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वन कैन डाउनलोड, जहाँ आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं यूजिंग द मल्टी मीडिया, विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स यूजिंग कंप्यूटर। थ्रू द कंप्यूटर आप किसी भी साउंड इफेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, इससे आपके पास एंटरटेनमेंट करने का एक अच्छा स्कोप मिलता है। आईटी इन कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज टू कन्वे मैसेज एंड आइडिया, पिक्चर्स और स्पीचेस। जहाँ आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, भेज सकते हैं, थ्रू द किसी भी अपने आइडिया को भेज सकते हैं किसी भी मैसेज के द्वारा या किसी स्पीच के द्वारा। अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। जो भी इसको रिसीव करता है उसको क्लियर समझ में आना चाहिए और करेक्ट वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है आईटी इन बिजनेस। कंप्यूटर आर यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। बिजनेस के फील्ड में आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप किसी एक बड़े लेवल पे किसी फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसी एक स्टॉक को मेंटेन करते हैं, अपने बजट या को कॉल कैलकुलेट करते हैं। ये सारा का सारा आईटी का रोल जो होता है पूरी तरह से प्ले करता है बिजनेस के फील्ड में। ई कॉमर्स साइट जो आज के समय में चली आ रही हैं ऑल्सो ऑफर सर्विसेज परटेनिंग टू प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड गैदरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये हर तरह के अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देती हैं, किस तरह से उसका, किस तरह का उसमें क्या प्रेजेंट करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट करना, क्या ट्रांजेक्शन वगैरह उस पर जाएगा, सब कुछ इसमें आता है।
ई कॉमर्स के लिए हम आप ऐसे समझे तो आज के टाइम पर आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट आपके सामने आता है जिसमें आपको किस तरह से उसमें सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे और आपको उसमें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगे उसको चूज़ कीजिए, घर बैठे उसको होम डिलीवरी लीजिए। बस आपको इसमें ऑर्डर थ्रू कैसे भी कर सकते हैं, कैश ऑनलाइन दे सकते हैं आप इसके लिए, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं, पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपके पास उनके पास स्टोर्ड हो जाती है बट आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किसी तरह से कोई उसमें पूरे हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि कोई आपका मिसयूज ना कर सके कार्ड का। इसी तरह से आईटी का यूज़ साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इट इज़ यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, CAD एंड CAM एप्लीकेशन आर यूज फॉर ड्राइंग डिजाइनिंग फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन। कंप्यूटर आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड फॉर विजुलाइजिंग। ये आपके सारे से बड़े लेवल की इन्फॉर्मेशन को एक हाई लेवल पर स्टोर करता है। IT इन बैंकिंग। कंप्यूटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज नाउ ऑनलाइन। द कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर। रिकरिंग डिपॉजिट्स ERD, फिक्स डिपॉजिट EFT, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर दैट इज NEFT, RTGS, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग इंटरनेट, कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस आर रिलेटेड सर्विसेज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बैंक कस्टमर यूज ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल टू व्यू करेंट बैलेंस। बैंकिंग के फील्ड में IT का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम पर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हो चुकी है, हर एक के लिए एक्टिविटी जो है ऑनलाइन हो सकती है। कस्टमर का डेटा एंड ट्रांजेक्शन जो कि रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर में, आप इसके थ्रू आप घर बैठे ERD करा सकते हैं, आप EFD करा सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, चाहे वो NEFT कराइए चाहे RTGS करा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंटरनेट पर। इस तरह से ATM मशीन के थ्रू आप चाहे तो कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। IT इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। प्रोसीजर्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड बोनस आर डिक्लेयर्ड बाई यूजिंग कंप्यूटर इन इंश्योरेंस कंपनीज। मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर ऑल्सो अवेलेबल विच कैन बी परचेज बाई यूजिंग द वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस के क्षेत्र में IT का किस तरह से रोल रहता है कि सभी कंपनीज के पास आपका रिकॉर्ड रहता है अप टू डेट, सब आपकी डेट के हिसाब से, और वो आपकी हेल्प कंप्यूटर के हेल्प के द्वारा आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड रखते हैं। प्रोसीजर्स की कई तरह से होती हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट क्या है, क्या मैच्योरिटी डेट है, इंटरेस्ट कितना ड्यू है आपका, इस तरह के कई बेनिफिट्स जो होते हैं, क्या बोनस मिला आपको, उस पर सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनीज आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रखते हैं। आज के टाइम पर ऑनलाइन प्रोसेस भी हो चुका है जिसमें आप पॉलिसीज़ को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसको आप चाहे तो थ्रू द वेबसाइट किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज पर जा करके, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस आती है जहाँ से आप रिचेक कर सकते हैं। IT इन मार्केटिंग। इन मार्केटिंग कंप्यूटर आर यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाई यूजिंग आर्ट्स एंड ग्राफिक फैसिलिटी। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सो दैट द गोल ऑफ सेलिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। पीपल कैन परचेज आइटम्स इवन सिटिंग एट होम। मार्केटिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज किसी एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको इसके लिए मार्केटिंग करनी है या एडवर्टाइज़ करना है, तो वो घर बैठे ही किस तरह से इसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। किसी एक एप्लीकेशन पर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, या किसी भी एक चैनल्स पर लॉन्च कर दिया, या किसी एक वेबसाइट पर जाकर के इन्होंने उस पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया, जिससे आप वहाँ पर सारे इनके फीचर्स को चेक कर सकते हैं और घर बैठे उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसके आइटम्स को चेक कर सकते हैं। IT इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ICT इज़ यूज्ड इन द हेल्थ सेक्टर इन न्यूमरस वेज। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम HMS इज़ यूज टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज़। हेल्थ केयर की बात करें तो आज के टाइम पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इसका बहुत रोल प्ले किया है। ऐसे कई तरह के फीचर्स हैं जो आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, जिसमें आपका पेशेंट का एक रिकॉर्ड रहता है और उसके रिलेटेड जो भी उसकी डिजीज़ वगैरह है वो सारा का सारा रिकॉर्ड रहता है। हेल्थ केयर के फील्ड में मैंने नेक्स्ट वाले पॉइंट में अपने कुछ पिक्चर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर उसके पॉइंट क्लियर कराए हैं, जैसे कैसे हम इसको मेडिकल के फील्ड में कैसे डायग्नोसाइज करते हैं, किस तरह से हम किसी का MRI चेक करते हैं, कैसे हम किसी की टोमोग्राफी करते हैं मशीन के द्वारा, और कैसे हम ब्लड प्रेशर से लेकर के किसी का शुगर चेक करना या किसी की ECG वगैरह मशीन के थ्रू चेक करना, कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन के द्वारा कैसे करते हैं, EEG कैसे चेक किया जाता है, सारा का सारा आपका हम हेल्थ केयर में बहुत इसके लिए बेनिफिट मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो आपका मिलेगा इसमें पिक्चर्स के साथ सारी चीज़ें आपको अपलोड मिलेंगी।
सो एज यू कैन सी कि कैसे डायग्नोसाइज करते हैं किसी की बॉडी का, कैसे MRI फुल, ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किसी का कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन के द्वारा कैसे टोमोग्राफी करते हैं। इस मशीन को 3D के इमेजेस वगैरह सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके बॉडी के दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मशीन, दैट इज ECG, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। वेन द हार्ट बीट बम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस मशीन रिकॉर्डेड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ऐसी ऐसी हमारा कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन होता है। एक होता है EEG, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, किसी के ब्लड प्रेशर कैसे मशीन के द्वारा हम चेक करते हैं। ये सारा का सारा IT का जो रोल प्ले कर रहा है मेडिकल के फील्ड में, इस तरह से IT का रोल हमारा प्ले करता है। सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक। सो एज यू कैन सी आई एम गिविंग यू सम बेसिक क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद आवर टूडेज टॉपिक IT एंड ITES। इन फर्स्ट पॉइंट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ IT फॉलोइंग एरियाज, एंड सेकेंड विच इज रिलेटेड विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके सो थैंक यू एवरी वन।